यहाँ पे आज हम सारे पुलिस अफसरान पूरा ये गांव एक दुखी घड़ी है। हमारा एक साथी, हमारा एक फैमिली मेंबर, हम उसे यूँ कहेंगे, वो एक पुलिस में एसपीओ तैनात था। कल शाम की ये वाक़ा है, मिलिटेंटों के साथ, दहशतगर्दों के साथ वो एक फाइट करते हुए जो है वो कल शहीद हुआ। तो आज उसके हम सब यहाँ पे नमाज जनाजा में शामिल हुए हैं। मैं आपकी वसादत से भी अपने महकमे की तरफ से ये को बताना चाहता हूँ कि हम इनके साथ हैं। कोई भी ज़िंदगी में आगे इनके बच्चों को, इनके माँ बाप को, इनके पूरे परिवार को आप कभी अकेला ना समझें, हम आपके साथ हैं। कभी भी हमारी तरफ से जो भी ज़रूरत होगी, कोई भी इशू होगा, आप हमें अप्रोच करें, इनफैक्ट हम अप्रोच करेंगे। जो भी इनके इशूज़ होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो हम करेंगे। यही चाहते हैं आप, जिसने शहादत दे दी है देश के लिए, लेकिन इसके साथ भी इंसाफ हो, इसकी तरफ भी ख्याल किया जाए। ये जो भी पोस्ट थी इसकी, लेकिन देश के लिए इसने शहादत दी है, इसके लिए पूरा इंसाफ हो। एक बूढ़े बाप का सहारा था ये, इसका बाप आपने देखा है वो चल नहीं सकता है लाठी के द्वारा, और इसके साथ पूरा हम ये LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये हम पुरजोर अपील करते हैं कि इसके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये एक पिछड़े इलाके का था और गरीब बाप का बेटा था, और इस यही एक बूढ़े बाप का, इस फैमिली का यही एक सहारा था, तो इसका सब पूरा इंसाफ किया जाए। इस समय हम मौजूद हैं मेंढर के बाताडूरिया क्षेत्र में, जहां के ताहिर अहमद, जिनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचा। बता दें कि कल श्रीनगर के कुलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, जहां ग्रेनेड अटैक में वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे। उसके बाद जब उनको इलाज के लिए वहाँ निजी अस्पताल में ले जाया गया, तो इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आज उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, और आज उन्हें सपुर्ते खाक किया गया। विद वीडियो जर्नलिस्ट राही कपूर, एक्सेलसियर न्यूज़, बाटाडूरिया, मेंढर।